अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारों को खुश आमदीद। आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, जो अलग तरीके से मैं आप उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने भिंडी अच्छी तरह से धो के मैंने इसको काट के रख दिया था। उसमें मैंने जो घर में मसाले होते हैं, ज़्यादा कोई मसाला नहीं, नमक, हल्दी, धनिया और मिर्ची। उसके बाद मैंने बारीक प्याज पीस कर, एक प्याज बारीक पीस कर उसके साथ मिला दिया था। और दो चम्मच मैंने ऑयल में इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। ये देखें, अब ये मेरी सब्ज़ी अच्छी बनेगी, आप भी बनाइएगा ये, क्योंकि मैं सब हम तो बनाते हैं, ये फ्राई भी करते हैं, उसमें भी बनाते हैं, प्याज में भी। उसके बाद इसमें मैंने दो चम्मच बेसन डाला। इसके आगे जाकर मैं आपको बताऊँगी बेसन का क्या रीज़न है इसमें डालने का। अब इसको एक घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी, ये देखें। उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। उसको मैंने एक पैन में मैंने तेल डाला है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तो ये कड़क भी हो जाएंगी और अच्छी भी लगेंगी। इसको तब तक ये फ्राई करना है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए भिंडी का और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। इसको चम्मच चलाते रहिएगा, क्योंकि ये इसमें हमने बेसन भी डाला है, प्याज भी है, मसाले भी हैं, ये अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो फिर इसको ये देखें, अब ये फ्राई हो गई थी। मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी, क्योंकि हल्की फ्लेम पे बना है और हमारे पास गैस नहीं है। बहुत बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का हमारे हुक्मरानों ने। मैं इस पे सिलेंडर पे बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से हमारी गैस नहीं है। आपके आपके तरफ से गैस है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप तरफ से गैस आ रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने एक प्याज काट के उसको हल्का सा ब्राउन किया था। फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल के, इसमें पेस्ट नहीं डालते क्योंकि थोड़ा सा टमाटर साबित रहना चाहिए, प्याज भी। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से प्याज और टमाटर गल गए थे, तो फिर मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे, वही मसाले जो घर में होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, क्योंकि ज़्यादा इसमें मसाले नहीं हैं। फिर ये मैं भिंडी जो मैंने फ्राई कर रखी है उसको ऐड करूँगी। ये देखें, इसके साथ फिर मिला के मैं अच्छी तरह से इसको भी बनाऊंगी। आप मुझे फॉलो कीजिएगा, अच्छी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि सब्ज़ी तो भिंडी की बहुत सारी अच्छी अच्छी बनती हैं, लेकिन ये दही में जो बनाते हैं इसके लिए अच्छा अलग से ये एक टेस्ट आएगा आपको। अब मैं इसमें आधी प्याली दही डालूंगी। इसको जल्दी जल्दी चलाना है, क्योंकि इसमें ये कि पानी छोड़ती है दही, तो इसको जल्दी चलाना है। अच्छा, मैं आपको इसका रीज़न बता दूं बेसन का, क्यों बेसन में मैंने फ्राई की थी भिंडी, क्योंकि भिंडी लेस छोड़ती है, तो ये भिंडी लेस नहीं छोड़ेगी, बेसन में हमने इसको फ्राई किया था। इसको चम्मच चलाते रहना, क्योंकि ये दही पानी छोड़ता है तो पानी नहीं निकलेगा दही का। अब मैं इसमें धनिया ऐड किया है, क्योंकि मैं मिर्चें नहीं डाली हैं, मिर्चें बच्चों को अच्छी ज़्यादा नहीं लगती, इसलिए। अभी मेरी भिंडी आलमोस्ट तैयार हो गई थी, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ी देर में दम के लिए रख दिया था इसको, अब मैं इसने घी भी अच्छा खासा निकाल दिया है, तो फिर मैं इसको अभी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए भिंडी बन गई थी। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा।